हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागॉजी के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। एक वर्ड को उसकी मीनिंग किस चीज से हमें प्राप्त होता है या फिर मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, यानी कि सिर्फ डिक्शनरी से उसका मीनिंग पता चल जाता है। सेकेंड ऑप्शन है स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग की मदद से हमें उसका मीनिंग पता चल जाता है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उसका, वहाँ से हमें उसका मीनिंग पता चलता है। अब नेक्स्ट है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रॉम इट्स ओरिजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। अगर हमें वर्ड की स्टडी करना है और उसकी मीनिंग की स्टडी करना है, तो इनमें से कौन सा वर्ड बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे वर्ड दे रखा है फिनोटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है सिंटेक्स, नेक्स्ट ऑप्शन है लिंग्विस्टिक और लास्ट ऑप्शन है सिमेंटिक्स। जब हम किसी भी वर्ड की स्टडी करते हैं, उसकी मीनिंग की स्टडी करते हैं, तब हम उसे सिमेंटिक्स बोलते हैं। अब देखिए, आपका एक काम है कि इसमें फिनोटिक्स, सिंटेक्स और लिंग्विस्टिक का मीनिंग आपको सर्च करना है, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग भी हमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्वायर सिस्टम। ये जो एक्वायर सिस्टम है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन का सिस्टम है, इसमें एक्विजिशन हम किसी भी लैंग्वेज का किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम फॉर्मल स्किल को डेवलप करेंगे तो लैंग्वेज एक्विजिशन पॉसिबल हो पाएगा। अगला ऑप्शन है सबकॉन्सियसनेस प्रोसेस। सबकॉन्सियस प्रोसेस से हम किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, यानी कि हम कुछ इनपुट देंगे और उसका हमें आउटपुट में एक रिजल्ट ऑब्टेन होगा। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग से हम लैंग्वेज एक्विजिशन को सीख पाएंगे। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन को ध्यान से समझें, तो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि बच्चा नेचुरली किसी भी चीज़ को सीखता है, तो फॉर्मल इनपुट आउटपुट और सेल्फ मॉनिटरिंग तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सबकॉन्सियस प्रोसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लैंग्वेज को लेके लिया हुआ है। देखिए, आपको कई सारी डेफिनेशन भी टिप्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन भी ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, लैंग्वेज इज अ टूल। लैंग्वेज एक टूल है, क्यों इसे टूल की तरह माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फॉर प्रोसेसिंग आइडिया, यानी कि हम आइडिया को प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज फॉर कम्युनिकेशन, जिससे हम वार्तालाप कर सकते हैं, किसी और से अपने जो मैसेज है, जो फीलिंग है, उसे कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज फॉर थिंकिंग, किसी चीज को सोचने के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है यूज फॉर कन्वेइंग आइडिया, जिससे हम अपने आइडिया को कन्वे कर सकते हैं। देखिए, जब आप लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो लैंग्वेज की डेफिनेशन ही यही है, लैंग्वेज इज अ टूल यूज फॉर कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लैंग्वेज पेडागॉजी पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम लोग चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी करें, तो उससे रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म्स है, उनकी फुल फॉर्म हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है TBLT,
इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज, ये जो TBLT होता है सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का, इसमें TBLT क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, टूल बेस लैंग्वेज टीचिंग, नेक्स्ट है टास्क बुक लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड ऑप्शन है टास्क बेस लैंग्वेज टीचिंग और लास्ट ऑप्शन है टास्क बेस लैंग्वेज ट्रेनिंग। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप अपने आप कोई चीज जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपको फिर या तो गेस करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये फुल फॉर्म्स बन रही हैं, या आप एक पेन डाउन करिए, एक लिस्ट बनाइए जिसको आप बार बार रिकॉल करिए। देखिए, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब एज, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है बॉटम अप अप्रोच, अगला है हॉरिजॉन्टल अप्रोच, थर्ड ऑप्शन है टॉप डाउन अप्रोच, लास्ट ऑप्शन है वर्टिकल अप्रोच। देखिए, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि रोल प्ले एक्टिविटी पे बेस है। यहाँ देखिए, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, रोल प्ले एक एक्टिविटी है जो कि क्या प्रमोट करता है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है असेसमेंट, सेकेंड ऑप्शन है लिसनिंग, नेक्स्ट है राइटिंग और लास्ट ऑप्शन है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम क्लासरूम में रोल प्ले एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे तो इससे हम कौन सी स्किल को प्रमोट करते हैं। रोल प्ले में बच्चा बोलना सीखेगा और साथ ही साथ अपने जो पीयर्स होंगे उनको सुनना भी सीखेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट जाएगा, जो कि है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप चाहें तो मेरी इंग्लिश पैडागॉजी की नोट्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट CTAT सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट कराया है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्सिकल वर्ड पे बेस है। पहले लेक्सिकल वर्ड समझ क्वेश्चन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये है क्या। लेक्सिकल वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रॉपर मीनिंग दिया होता है डिक्शनरी के अंदर। अब देखते हैं इनमें से कौन सा लेक्सिकल वर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है लव, सेकेंड ऑप्शन है इज, थर्ड ऑप्शन है द और लास्ट ऑप्शन है माइट। इनमें से अगर मैं देखूं तो इज, द और माइट सेंटेंस को कंप्लीट करने में यूज होते हैं, बट इनका ऐसा एक प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बनता। तो अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन जो कि है लव, इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है डिक्शनरी में, तो इसको हम लेक्सिकल वर्ड में कंसिडर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि स्क्रबलिंग के बारे में पूछ रखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि ये जो स्क्रबलिंग होता है ये किसके स्टेजेस के बीच में आता है। अब देखिए, आपके सामने ऑप्शन है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। जब आप इन्हें इन डेप्थ स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्क्रबलिंग एक ऐसी स्टेज है जो कि राइटिंग स्किल के बीच में आती है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज स्किल पे बेस है। क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न, लैंग्वेज स्किल को हम बेस्ट तरीके से कब लर्न कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट, यानी कि बस रिटन टेस्ट दे दो और असाइनमेंट दे दो, उससे हम लैंग्वेज स्किल को सीख पाएंगे। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि जितनी भी लैंग्वेज स्किल है उनको हमें पढ़ाना चाहिए एक इंटीग्रेटेड तरीके से, जिससे सारे के सारे स्किल्स डेवलप हो पाए। अगला ऑप्शन देखते हैं,
with the help of challenging and mechanical language drill. यानी कि हमें बच्चों को challenging और mechanical language drill देना पड़ेगा. और last option है when they are introduced in isolation. यानी कि one skill at a time. एक skill को एक time में introduce करो, ऐसे आप language skill को best तरीके से पढ़ा सकते हो. देखिए हमने जैसे सारे option को discuss किया, इनमें से एक ही option सबसे appropriate बैठता है, जो कि है when they are taught in an integrated manner. यानी कि इस question का second option बिल्कुल correct है. अब देखते हैं next question है reading English as a second language means. यानी कि English को हम read कर रहे हैं as a second language, इसका क्या exact meaning होता है. First option है reading aloud, यानी कि किसी चीज को हम loudly read कर रहे हैं. Second option है reading for grammar, यानी कि हम grammar के लिए उस चीज को read कर रहे हैं. Next option है meaning making. मीनिंग मेकिंग मतलब उसका मतलब समझने के लिए हम उसे रीड कर रहे हैं. और लास्ट ऑप्शन है डिकोडिंग ऑफ लेटर, हम लेटर्स को डिकोड कर रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन था रीडिंग इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश को रीड कर रहे हैं एज सेकेंड लैंग्वेज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है रीडिंग फॉर ग्रामर, हम ग्रामर के लिए चीज़ों को रीड कर रहे होते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रेमेडियल टीचिंग पे बेस. रेमेडियल टीचिंग होती क्या है. अब देखिए यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए. जब क्लासरूम में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तब उसका एक टेस्ट लिया जाता है. अब टेस्ट लेने के बाद बच्चे को डायग्नोस किया जाता है कि बच्चे को कितना आ रहा है या बच्चे को कितना नहीं आ रहा. उसके अकॉर्डिंग जो उसकी कमियाँ होती है उनको ध्यान में रख के बच्चों को एक अलग से टीचिंग कराई जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की जिस पे वो वीक होता है. अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेमेडियल टीचिंग रेफर टू टीचिंग. रेमेडियल टीचिंग एक ऐसी टीचिंग है जिसमें पहला ऑप्शन है टू हेल्प ब्राइट लर्नर टू एक्सेल, यानी कि एक ब्राइट लर्नर को और ज़्यादा हेल्प करना, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट बैठेगा, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट है टू टेस्ट लर्नर पीरियोडिकली, यानी कि लर्नर को आप पीरियोडिकली टेस्ट कर रहे हो. नेक्स्ट ऑप्शन है टू एड्रेस गैप इन लर्निंग, हमें जो लर्निंग के बीच में गैप है उसको एड्रेस करना है. और लास्ट ऑप्शन है आफ्टर द रेगुलर स्कूल हार. देखिए जो रेमेडियल टीचिंग होती है और रेमेडियल क्लासरूम नॉर्मल स्कूल के हार से अलग से कराई जाती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, जो कि है आफ्टर द रेगुलर स्कूल हार. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है. देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, हमें लर्नर की अचीवमेंट को मेजर करना है. और नेक्स्ट दे रखा है टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, हमें राइटिंग को लेके प्रैक्टिस देनी है. सेकेंड लास्ट ऑप्शन है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है. और लास्ट ऑप्शन है टू डिसाइड पास एंड फेल. देखिए असेसमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो हमने मेजर्स लिए हैं अचीवमेंट के वो हमारे फुलफिल हो सकें. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि एक लर्नर की कितनी अचीवमेंट हुई है इस चीज को मेजर करना. अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है और रिटोरिकल क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं. रिटोरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई भी आंसर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आपको अलर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके कोई आंसर नहीं बनते. यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है टू क्लेरिफाई अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने के लिए पूछे जाते हैं, ये भी सूट नहीं करेगा यहाँ पे. थर्ड ऑप्शन है फॉर द सेक ऑफ एफर्ट विथ नो आंसर नीडेड, मतलब ऐसे एफर्ट जिसमें कोई भी आंसर नीडेड नहीं होता, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है.
अब अगला देखते हैं, टू गेट अ फीडबैक अबाउट व्हाट अदर थिंक अबाउट स्पीच राइटिंग, यानी कि एक फीडबैक लेना कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसे एफर्ट या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके कोई भी आंसर नीडेड नहीं रहते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इसका पार्ट वन भी जरूर देखें। पार्ट थर्ड जल्दी ही अपलोड होगा। बाय बाय, टेक केयर।